उत्तराखंड में राज्यसभा सीट को लेकर भाजपा ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है और एक महिला को राज्यसभा जाने का मौका दिया है। आपको बता दें कि भाजपा ने डॉक्टर कल्पना सैनी को अपना उम्मीदवार बनाया है। डॉक्टर कल्पना उत्तराखंड सरकार के पिछड़े आयोग की अध्यक्ष है और रुड़की की रहने वाली है। खास बात यह है कि इस बार राज्यसभा के लिए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत भाजपा के केंद्रीय नेता पीयूष गोयल का नाम भी पैनल में था, लेकिन इस बार भी बीजेपी ने सभी को चौंकाते हुए एक ऐसा नाम राज्यसभा के लिए उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया जिसको लेकर कोई चर्चा नहीं की जा रही थी। वही डॉक्टर कल्पना सैनी ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए अपनी खुशी भी जाहिर की। मुझे तो जो मेरे यहाँ भाई बैठे भी हैं सब, और लगातार जो उत्साह भरी आवाज़ मुझे अपने संगठन के लोगों की आ रही है, बड़े कार्यकर्ताओं की भी, छोटे कार्यकर्ताओं की भी, वरिष्ठ की भी, पदाधिकारियों की भी, तो उनकी आवाज़ की वो खुशी मुझे यह एहसास करा रही है कि वो कितना गर्व महसूस कर रहे हैं और कितना विश्वास है उन्हें अपनी इस बहन पर। ये मेरे आत्मबल को बढ़ा रहा है और मुझे अंदर से इस बात के लिए दृढ़ कर रहा है कि मैं हर कीमत पर अपने प्रदेश का, अपने जिले का, अपने रुड़की का